चीज बना रही है, वो भी अपने पुराने किचन में। ये देखें, ये देखें, ये क्या बना रही हो? बतचोल बना रही हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुल्तान ब्लॉग। और मैं साथ जाने का चैनल सब्सक्राइब लाइक करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो फाइनली बस ब्लॉग हमारा हो गया स्टार्ट, शाम का ब्लॉग। तो यहाँ पर देखें ना, बुजुर्ग भाई जो है ना, मेरा बुजुर्ग, इसको बोलते हैं हम बुजुर्ग भाई, उसने ना अपने टाइम के साथ ना काम स्टार्ट कर दिया। ये देखे सामने, ये जो है ना टोका टुकाई कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, जानवरों के बारे में सोच रहा है। ये इनके साथ ना मेरे ख्याल में ना ऐसा ही होना चाहिए। वो पूछेंगे वजह क्यों, क्योंकि एक तो ये रोजे नहीं रखते, ठीक है ना, और दूसरा तू इधर क्या कर रहा है? उठे चल, कम करा, कम 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 छेला, चल मिनट ला, मिनट लगा, मिनट 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 कम, शाबाश, रख बैठ। एक तो रोजा नहीं रखते, दूसरा काम ही नहीं करते हो। चल कम 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 कम, शाबाश, कम कराओ। एक जो बंदा रोजा नहीं रखेगा उससे ऐसे मैं काम करवाता रहूंगा भाई। हाँ, मैंने ये बोल दिया, अब मेरा फैसला भी हो गया है। हेलो, ऐसे काम करवाओ, काम करवाओ, काम काम करवाओ, ऐसे काम करवाओ, काम करवाओ, काम करवाओ, काम। हाँ, सारा दिन ये वेला कर, मैंने बोला इधर टोका मारो, टोका इधर, टोका मरवा इधर इधर। हाँ, शाबाश, काम करवाओ ऐसे, काम करवाओ, काम करवाओ ऐसे। जो रोजा नहीं रखेगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा कि अभी हो रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग। जो रोजा नहीं रखेगा उसके साथ हम ऐसे ऐसे काम करवाएंगे। हाँ, ये सहरी टाइम भी उठ के खाते पीते हैं, ठीक है ना, इफ्तारी टाइम भी उठ के खाते पीते हैं। तो अगर रोजे की बात करें ना, इनको रोजा नहीं रखते ये। माशाल्लाह जी, कबूतर का खोखा, ये देखें, ये खड़ा हुआ है हमारा बैल। वाह जी वाह, दादी के घर भी चलते हैं, देखते हैं कि दादी क्या कर रही है, आज कुछ बना रही है या नहीं। अगर बना रही है तो ठीक है, नहीं तो दादी को फिर आज की दावत दे देते हैं अपने रोजे को। तो इंशाल्लाह फिर शाम को जब इफ्तारी करेंगे ना, फिर दादी को भी बुला लेंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह। ओहो, दादी ने सारी कुकड़ी शुकड़ी जो है ना देखे इकट्ठी शकट्ठी की हुई है। ये देखें, ये सारी कुकड़ी मैं भगाऊँ या इकट्ठी करवाऊँ? क्या हाल है डारी, तबीयत ठीक है? ये क्या जोड़ रही हो, टुकर? अच्छा, कोई चाह तो क्या नहीं किया? मतलब के अंधा खड़े, अंधा खड़े। दादी कह रही है ना गिद्दड़ आ रहे हैं, गिद्दड़ जो मतलब कुकड़ी शुकड़ी कबूतर शबूतर लेके भाग जाते हैं खाने वाले, गिद्दड़ जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा गिद्दड़ नाम। वो जो है ना आजकल इधर चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें ना सारे जंगलात बने हुए हैं, इस साइड में देखें सारे जंगलात, यहाँ से निकल के ना आ जाते हैं गिद्दड़। वो फिर ये कुकड़ी को झपट्टा लगा के ना लेके भाग जाते हैं इनको। तो इसी वजह से दादी बोल रही है ना, इनको यहाँ पर टुकुर शुकुर जो है ना डाल रही हूँ, ताकि ना ये कुकड़ी उधर ना जाए और उधर से गिद्दड़ ना ले जाए। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, वो कफे नहीं बैठे, ये सो गई है, ये सो गया। हाँ, अच्छा, टाइम के साथ चाचा भी माशाल्लाह आ गया है। वो भी आ गई, सदके सदके जाऊं, क्या कर रही हो? ओहो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने पैसे लिए हैं, अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई है, अभी अभी तुमने पैसे लिए हैं, अभी अभी फिर बोल रही हो पैसे दो। नहीं, हम कोई यहाँ दुकान दुकान लगाया हुआ है पैसे का, मुझे ये बताओ, हम पैसे का दुकान लगाया हुआ है हैं? जब आप बोलोगा हम पैसे देगा, बताओ बताओ, अभी आपको पैसे चाहिए?
पक्की बात है ऐसे हो मैंने, पक्की बात है। चलो फिर गला लगाओ जोर से जोर से। चलो चलो आज पैसे देता हूँ किंजा को, देते हैं पैसे। पहले भी मैंने दिए हैं इसको 10-20 रुपए, अभी फिर भाग के आ गया, कहते हैं पैसे दो। चलो सही है, कोई मसला नहीं है, दे देते हैं। चलो भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ, भाग के आओ। हाँ जी, हो गया काम? फिर क्या आपको क्या बोला है? यहाँ पर बैठ के जाओ, आराम करके बैठ जाओ। नहीं। फिर उठो ना, उठो 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 उठो, जल्दी से करो। हाँ, सारी सेटिंग करो, शाबाश। मिनट लगाओ, ये जानवरों को चारा डालो। आज अबू नहीं है, आपको पता है। आ जाओ किंजा, दुआ करो कि हो मैंने सही। वाह जी वाह, पड़े हैं 10 रुपए आपके। चलो जाओ फिर। ये माशाल्लाह किंजा को पैसे दे दिए अभी तो। हाँ भाई, कैसे हो? तबीयत चणकू मणकू? आज रोजा नहीं रखा आपने? आज इतवार था की। आज इतवार था, रोजे की भी छुट्टी थी। खैर हो गए। उस दिन तो हम बड़े जो है ना वो कर रहे थे, जोशो खरोश में थे। उस दिन तो फांसी खा रहे थे कि मैं रोज़ा रखूँगा। आज रोज़ा नहीं रखा आपने? क्यों नहीं रखा? उस दिन से फांसी शांसी खा रहा था कि मैंने रोज़ा रखना है। क्या ये बैटरी अभी चार्ज कर रहे हो? लगी हुई थी तो ये थोड़ी देर करनी पड़ती है ना। अभी फुल हुई पड़ी होगी, देखा फुल है। ये उबल रही है तो फिर बस करो, इतना ज़्यादा देर कौन लगाता है? वो बैटरी भी छोटी है ना, फिर फट जाएगी। चलो फिर जानवर शानवर बदो, फिर उनको घास झाट डालो, जल्दी करो, क्योंकि अब्बू नहीं है ना, आपको पता है ना। अब्बू घर में नहीं है, अब्बू चले गए हैं जमात के साथ। तो इसी वजह से जो है ना आज जानवरों शानवरों का इसके ज़िम्मे इनके ज़िम्मे में लगा है। मतलब जिनको रोज़ा नहीं है ना उनसे मैं ये काम करवाऊँगा। अब इन दोनों को रोज़ा नहीं है, दोनों से काम करवाऊँगा। हमें तो रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको रोज़ा है। ये सुलेमान को रोज़ा भी नहीं है और फरमान को भी रोज़ा नहीं है। ये दोनों आज जानवरों का काम करेंगे। इन दोनों ने रोज़ा क्यों नहीं रखा है? इसी वजह से इनकी ये सज़ा है। और हाँ, जब से ये माह रमज़ान स्टार्ट हुआ तब से इन्होंने रोज़ा नहीं रखा। आप इनको क्या कह सकते हैं यार? वो कहते हैं ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी मर्ज़ी है रखें या ना रखें, क्योंकि अल्लाह पाक फिर नाराज़ होता है कि यार एक बंदे के ऊपर बोल सकते हैं, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो चलें, उनके आगे अपनी मर्ज़ी है, जैसा भी करेंगे। तो मिस्टर चणकू साहब, सब्जी वगैरह बनाए हम, सब्जी सब्जी ले आया है तो इनको भी बना लो। चणकू साहब आप बैठ के सब्जी बनाओ। हाँ जी। ये तब तक आप ना ऐसा कर लो, मटर जोड़ लो, मटर। अम्मी आ जाती है ना, आलू शालू बना लेगी, ठीक है? चलो यार, तुम ये काम करो, जल्दी जल्दी कर लो। ए पता क्या, मटर भी सब्जी भी कट छट के ना रख दो, अम्मी आएगी बनाएगी, ठीक है? मुझे माशाल्लाह टाइम हो रहा है अभी असर का, चलते हैं अभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करेंगे। और जो भी हमारी डेली बेस रूटीन होती है माह रमज़ान की, रोज़ा इफ्तारी की जो रूटीन होती है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले लुक चेक करें हमारी कबूतरों की, हाँ, और इधर हमारे बुज़ुर्ग की भी लुक चेक करें, जो अकेला अकेला घास डाल रहा है सारे जानवरों को। देखें, लुक चेक करें। हाँ, आज इतना खूबसूरत लग रहे हो, इतना खूबसूरत लग रहे हो ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितना खूबसूरत लग रहे हो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि नज़र ना लग जाए। अच्छे बच्चे काम करते हैं बेटा, जल्दी कर लो आप भी। यार ये क्या किया हुआ है? कभी किधर लेके चला जाते हो, कभी किधर लेके चला, उधर बैठ जाओ एक जगह पर, उधर चार पाई पे बैठ जाओ दोनों, उधर ये सब्जी सब्जी काट लो। आज सबको ऐसे तरह के रखूँगा, आज सबको सबसे ऐसे काम करवाऊँगा आज। हाँ, जिसने रोज़ा नहीं रखा ना उन सबसे मैं ना ऐसे काम कराऊँगा आज। चणकू ने भी नहीं रखा, लेकिन चणकू से भी काम कराऊँगा आज मैं। जिन्हें जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा उनसे काम कराऊँगा मैं, कहता हूँ ताकि इनको हिदायत हो और ये रोज़ा रखें, सही है ना? चलो जी, अजाने हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। ये काम जल्दी कर लो, समझ आ गई? मैं नमाज़ पढ़ के आऊँ, ये काट लिया हूँ आप लोगों ने। ओके, अभी पहुंचा घर तो यहाँ पर देखा ना, अम्मी ये एक मज़ेदार चीज़ बना रही है, वो भी अपने पुराने किचन में। ये देखें, ये देखें, ये क्या बना रही हो? बतचोल बना रही हो? और मैसा भी साथ बैठी है माशाल्लाह, आप भी साथ जो चोल बनवा रही हो,
ये मतलब अब ये किचन चालू होगा हमारा माँ? हाँ जी, आज अम्मी कह रही है आज के बाद ना ये, क्योंकि गर्मी आ गई है ना, गर्मियों की वजह से ना अब न्यू किचन हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, ये बहर वाला। वो सर्दियों में अंदर वाला हम चलाते थे किचन, अब गर्मियाँ हो गए ना, अम्मी ने कहा कि ये बहर वाला इसको बना लेते हैं, इसको ही चलाएंगे। तो अम्मी ने ये जखें बनाया है सिस्टम सारा, और ये देखें अब इधर ही सेट करोगी हर चीज़? हाँ जी। अभी इसको लेपा पोला दोगी? हाँ जी। चलो फिर जल्दी कर लो, फिर टाइम भी जा रहा है माँ। मैं आधी बैठा तो सही है, चाओ था शायद उन्हें। फिर जल्दी कर लो, टाइम भी जा रहा है ना रोजे का। हाँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी चीज बनाई है। आज क्या बनाया सर? आज आलू मटर। और क्या बनाना है? देख लेते हैं खजूर है या नहीं है, चेक करना खजूर है कि नहीं है। ताला लगा हुआ है, देख लो खजूर है तो बताओ, जल्दी करो खजूर है या नहीं है। बस खत्म हो गई। चलो इसके बारे में भी सोचते हैं क्या होता है। चलो तब तक अम्मा आप ये काम कर लो, फिर खाने पीने का सीन बनाओ, ठीक है? हमें पता भी नहीं था, हमने काम स्टार्ट भी कर दिया था, हमें बताया नहीं, तो ये तो मैं अचानक ही आया तो मैंने देखा कि ये काम स्टार्ट हुआ पड़ा है। तो चलो आप लोगों को शेयर भी कर दिया, दिखा भी दिया। अम्मी ने ना न्यू किचन बनाना, जो पुराने वाला था ना वो वाला किचन अम्मी ने बनाना स्टार्ट कर दिया। इधर आना मैं किचन दिखाऊँ। इधर आना एक मिनट। जो हम ना पहले गर्मियों को जो है ना बहर जो हम यहाँ पर खाना वगैरह खाते थे ना वो आपको दिखाऊँ। ये देखो ये हमारी गली हो गई किचन की, तो ये देखिए वहाँ पर चूल्हा होती है जहाँ पर सालन वगैरह बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा जो ना पुराना किचन है ना रुमैसा। और ये हमारा तंदूर है, यहाँ पर तंदूर लगेगा। पहले वाला तंदूर है, फिर अम्मी ने दादी को कहा दूसरा तंदूर बनाना, वो बनाया, वो दादी के घर है। हाँ वो दादी से के घर से ले आएंगे ना, फिर लगाएंगे ना, फिर बनाएंगे। हाँ क्या बोल रहे हो? ये चाकू क्या करके आए? हेलो किसने बोला आपको चलाओ? लुकमान ने। सारा दिन मोबाइल लगे रहते हैं, बंद करो ये। सारा दिन चलता है, आप देखो आवाज नहीं दे रहा था। वो मैं इसको चोर रहा था। आराम करके दे दो उसको, ले जाओ। सारा दिन चलता है, रात को बैटरी भी खत्म हो जाती है मोबाइल की, शाम को भी लगाना होता है कुछ ना कुछ। पूरा दिन उनको बोल कहाँ होते हो, पूरा दिन नहीं चार्ज कर सकते मोबाइल को। पूरा दिन चलता रहता है, पूरा दिन रात को बत्तियां शक्तियां जलानी होती हैं, अंधेरा होता है, फिर रोजा इफ्तारी सहरी वो करनी होती है, मतलब लाइटों की सख्त जरूरत होती है आपको पता है शाम के टाइम। तो अब सारा दिन ये चलता रहता है, सारा दिन में मोबाइल चार्जिंग नहीं कर सकते। फिर अभी शाम हो गया तो अभी जो है ना चलाना स्टार्ट कर दिया है, अभी कोई नहीं चलेगा, ले जाओ अभी उसको मोबाइल को। बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, सारा दिन उधर से चलता रहता है, फिर वो भरती नहीं है। अब जो है ना वो थोड़ी सी चार्ज हुई है तो फिर इनको अभी याद आ गया मोबाइल, सारा दिन चलाते रहते हैं, फिर शाम को ना मोबाइल याद आता है कि इसको चार्ज भी करना है। अब ले जाओ मोबाइल, उसको वापस दे दो। मैं काम के लिए जो है ना गया था, मैं अभी वापस आया तो देखा फरमान इधर ही बैठा था, और बाकी के लोग ये देखें माशाल्लाह माह रमजान के लिए जो है ना इफ्तारी का सामान बना रहे हैं। आज जो है ना ये सारे पकोड़े ना मेरे हिसाब से ना ये मस्जिद में दे रहे हैं। सैफल भाई भी बैठा है, तो ये इनका ऑनर है सैफल भाई। आज सैफल भाई ने बोल दिया कि सारे पकौड़े बना के ना ये मस्जिद में दो आप, ठीक है ना? ज़कात भी निकाल लिया करो, सारा दिन बेच के ऐसे चले जाते हो। हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, ओए मुजीब सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ ज़कात निकाल लिया करो। सैफल का क्या हाल है? तभी ऐसे ठीक है फिटो काका? आज कल गाल ही नहीं मैं करें, बड़े बिजी हो। चलो एक टिक्की नहीं खवा लियो, रोजा है सही? अच्छा रोजा है प्या, बना उड़े दल खवा दियो। अच्छा चलो यार फरमान इधर आओ मेरी बात सुनो।
ये बाइक लो, ठीक है ना, जाओ उधर कारी फियाज के पास, उसके पास, उसको मेरा नाम बोल के ना 100 रुपए के पकौड़े दे और 5 टिक्कियां दे, लेके आ जा, ठीक है? ठीक, आज तो लेके आ जा, कल से अगर ये लोग हमें उधार देंगे ना, फिर इससे इनसे ले लिया करेंगे, मसला नहीं है। उधर से उधार लेते हैं ना पकौड़े, अगर कल से ये उधार देंगे इधर से ले लिया करेंगे सैंपल से, मसला नहीं है। ये लस्सी है? ये पानी है। पानी है? ये कैसा पानी है? ये हाथ धोने वाला। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह यहाँ पर भी ठिया लगा दिया गया है पकौड़ों का, बहुत मजाक चल हो गई है भाई। तो कल से ना इंशाल्लाह इधर से ही लिया करेंगे पकौड़े। वैसे हम पेट्रोल जो है ना साड़ के जाते हैं, इतना मतलब दूर जाते हैं लेने के लिए, फिर ये अपने घर के साथ ही है, इधर से ले लिया करेंगे। कैसे लतीफ खान? बिल्कुल लेंगे हम उधार है भाई, कोई बात नहीं। हाँ ये देख लो पहले, नहीं ईद वाले दिन पैसे देंगे। हाँ मुकर्र ईद का नोहेकरी मारो तो तले का ना थी से छुट्टा नहीं। हाँ नहीं तो हम ही खीर घेन वही 2 किलो। अच्छा खीर दे सू, टेंशन नहीं गिननी, दूध दूध दी टेंशन नहीं गिननी। ओ माशाल्लाह हबीबुल्ला भी आ गया, अस्सलामु अलैकुम। दवाई मिल गई है, जबरदस्त है, सही है, ये खाओ। गैस हो रहा था, पता नहीं क्या ऐसे बैठे बैठे ना। चलो इसको इसको खाओ, इसको पियो, ठीक है ना, ये गोलियां और ये शरबत, दो दो चम्मच पी लो। यही खाने के बाद या पहले ये तो देख लो, आप तो डॉक्टर हो। ये है ना, और उसने बताया नहीं है, नहीं पहले ये मुझे लगता है कब्ज की है ना। हाँ कितनी खानी चाहिए ये? इसमें से आप 2 खा लेना या 3 खा लेना बस, ज्यादा कब्ज हो मतलब 2 ही खा लेने का। हाँ 2 चम्मच इसके पी लेना है, 2 चम्मच इसके सुबह शाम पियो या फिर 3 टाइम पियो, सही हो गया। ये खाओ इंशाल्लाह तबीयत बेस्ट हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर आया हुआ है तो उससे पूछ लेते हैं, आपने तो कोई डॉक्टरी वगैरह वाला सिस्टम नहीं है क्या है? हाँ बस वो हमने छोड़ दिया है ना, हम अब ये वाला वाला काम कर रहे हैं। कोई मसला नहीं है, वैसे घर दवाई पड़ी है, उधर आ जाया करो, आपको दवाई मिल जाया करेगी, घर है वो आपकी जो बड़ी बड़ी कुत्ती है ना उससे मिल तो। उससे सिर्फ आप नहीं डरते, बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन वो अच्छा, लेकिन वो कहती कुछ नहीं है, बिल्कुल डराती है ना, दूर से वो सिर्फ ऐसे डराती है, बोलती कुछ भी नहीं है यार, वैसे तो कुत्ते बोलते भी नहीं। मतलब वो आपको काटने के लिए नहीं आएगी। हाँ बोल कर नहीं, ये देख लो, हाँ बिल्कुल भी काटने के लिए नहीं आएगी, टेंशन ना लो, आप आ जाया करो, आपको दवाई फ्री दूंगा, आपके लिए पैकेज है फ्री दवाई, सैंपल के लिए भी पैकेज है फ्री दवाई, लेकिन एक शर्त पर, टिक्कियां फ्री खाऊंगा। ये बाल छोटे करा लो तो फिर। हाँ अगर बाल छोटे कराए। ये सही बोला है मैंने, ये जो ऊपर टोकरा रखा हुआ है ये खोल कर दोगे दवाई? हाँ ये अगर ये बाल कटवा देगा ना, ये जो पहनी हुई है ना कैप, ये गोलियों की फॉल कर दूंगा। ये कैप है? हाँ वो अलग बात है कि गोलियां जो भी हो, जो रुपए रुपए वाली मिलती है, वो जो पत्ते में मिलती है खाने वाली, वो मीठी चॉकलेट वाली बंटी। चले जी, फरमान को मैंने भेजा था, उसको मैंने कहा पकौड़े ले आए, तो अभी तक आया नहीं है, सामने देख रहे हैं यहाँ से आएगा वो। ये पकौड़े नहीं बन रहे थे? नहीं ये टिक्कियाँ बन रही है, हमने पकौड़े लेने हैं। पकौड़े क्या होते हैं? ये टिक्कियाँ हैं, वो पकौड़े और होते हैं। डॉक्टर बना रहा था जो आलू के साथ बनते हैं वो पकौड़े होते हैं। ये भी आलू के साथ? ये टिक्कियाँ हैं, ये आलू के साथ बनती है? आलू के साथ तो बनते लेकिन है टिक्कियाँ, ये 10 रुपए की एक मिलती है, वो 10 रुपए का पकौड़ा इतना मिलते हैं। अलग रहेगी, अलग रहेगा जो कि आज नहीं टिकेंगी ये। अच्छा कल तो बहुत टिके, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ना ही टिके तो अच्छी बात है, गरीब आदमियाँ चले जाएं तो उनकी रोजी बन जाएगी। हाँ। टिक जाएंगी यहाँ पर तो फिर वो असल में ना हमें पता नहीं चला, मैं उधर से पकौड़े मंगवाता था, वो भी मतलब उधार में, फिर उनको पैसे दे देता था। आज मेरी बात लतीफ से हो गई है, मैंने लतीफ को बोला है कि ना कल से ना आपसे ये पकौड़े लिया करेंगे, वो भी उधार में, सही हो गया, उधार में, उधार में, ठीक है, इसको पैसे दे देंगे, ये अपना बंदा है, इसकी टेंशन नहीं है, सही है ना। उधार में फिर क्या हुआ, पैसे दे देंगे और उधार में ले लेंगे, ये मुझे समझ नहीं। मतलब अभी लेंगे ना, अभी इसको पैसे नहीं देंगे, अभी नहीं। हाँ जब पैसे आ जाएंगे, देने की नियत है ना, देने की नियत, वो तो देंगे, वो मतलब वो टेंशन नहीं है, उसको पता है वो तो देंगे, वो अगर ना भी दे को टेंशन नहीं है,
फिर मतलब देंगे लाजमी। माह रमजान का महीना है, कुछ खुदा का खौफ करो भाई। माह रमजान का महीना है ना, ठीक है ना, अभी नहीं देंगे। तो जब माह रमजान का महीना गुजर जाएगा ना, फिर नहीं देंगे। नहीं देंगे। माह रमजान में गुनाहगार हो जाए फायदा, रोजे रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गुनाह भी अच्छा नहीं होता ना। चले जी आप जाएं तो वही खाएं, ठीक है। रोजे का टाइम होने वाला है, पहले खानी है रोटी के बाद खानी है पता नहीं। ये खाने के बाद दो चम्मच खा लेने पी लेने। हाँ हाँ नहीं पहले नहीं, क्यों खाने के बाद? हाँ नहीं 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 खाने के बाद खाना है वो, मतलब फिर गैस वगैरह नहीं होगा ना। मैं कहता हूँ कि अभी खा लूँ ये पी लूँ, फिर खाने के बाद भी पी लूँ। फिर ऐसा कर लो, कोई मसला नहीं है। बाद तो इसका टाइम है ना, दो घंटे बाद सही हो गया, सही हो गया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आधा डॉक्टर तो होता है ना। नहीं वो जो है ना, आदमी मर रहा हो तो ये टाइमिंग दवाई की जो है ना, ये बोलते हैं कि बाद अगर तो अभी है ना, अभी अभी खा लो, अभी पी लो, पी लो, पी लो सब लोग, अभी मेरे सामने खोलो, 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 पियो पियो पियो। हाँ माशाल्लाह हबीबुल्लाह की, असल में ना हबीबुल्लाह की थोड़ी तबीयत जो है ना खराब हो गई थी, फिर उसकी दवाई ली है, अभी दवाई ले जो है ना लेने के लिए भेजा है इसको, तो ये दवाई ले आया है, ठीक है ना, तो अभी पी भी रहा है। मैंने इसको बोला कि जल्दी से ना पी लो, आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी माशाल्लाह से। अब ये खोल रहा है और पी रहा है। सुबह से जो है ना वो उल्टी वाला माहौल बनाती है, अब ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं लो। सीधी वाला माहौल बनेगा, पहले उल्टी वाला माहौल। यार ये तो बड़ा है, छोटा है, छोटा है, ये देखे ना। ओए यार नहीं छोटा है, कितना सा है, देखे लकीर है। इधर से दो घूंट पी लो, एक घोट इधर बोतल से पी लिया करो। नहीं यार मुंह लगाएं कि कोई और खाए तो जरासीम हो जाए। चलेंगे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, दवाई आपने पी ली है, ठीक है ना। हम सब लोग दुआ भी करते हैं और आपको पकोड़े भी खवाएंगे। दवाई पी ली नहीं है, दवाई पी ली नहीं है, ये सफेद है। सफेद है, मैंने कहा आपने पी ली है मुंह से। मुंह से पी ली है। हाँ वैसे तो ये सफेद है। लुकमान भी आ रहा है वो देखो सामने, अब वो जिसको भेजा है पकोड़े लेने के लिए वो अभी नहीं आया। माशाल्लाह जी गुलाम नबी भी रोटी लेके जा रहे हैं मस्जिद में। कैसे हो? चलते हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह नहीं, घर में असल में थोड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, इफ्तारी घर में करते हैं और मस्जिद में भी भेज देते हैं रोटी शोटी, तो घर में थोड़ा अच्छा प्रोग्राम बन जाता है। यहाँ पर रोजेदार बहुत होते हैं ना, फिर थोड़ा सा ठीक है। हाँ लुकमान भी आ गया है माशाल्लाह से, अभी चलते हैं क्योंकि बस 5 से 10 मिनट रहते हैं, तो जल्दी से जाते हैं। अभी मेरे ख्याल में तैयारी वगैरह सारी रोज़े की हो चुकी होती होगी, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ ना, मैंने तो उसको भेजा है फरमान को, फरमान अभी तक आया नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ तो इंतज़ाम हुआ पड़ा है, फिर रोज़ा इफ्तारी करते हैं। रोज़ेदारो जल्दी भजो। ओह ये गाबी ने जवाब दिया, मैंने बोला रोज़ेदारो यार आप जल्दी से जल्दी जल्दी भगाओ भगाओ इसको, धिक्का लाओ, अभी अभी आए हो। चलो आ जाओ आ जाओ, मैं आगे से खींचता हूँ, आप पीछे से धिक्का लगाओ। ड्राइविंग इसकी मैं करता हूँ आज, आराम से आराम से आराम से आराम से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो आने दो। ओए अजाब है ये, बहुत बड़ा अजाब है। आराम ना आराम ना आराम ना आराम ना। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। हाँ बस चलो आओ, पहले रोज़ा इफ्तारी कर लेते, टाइम हो गया, भाग के आओ भाग के आओ भाग के आओ। हाँ हाथ मुँह धोए जा रहे हैं ऐसा के, माशाल्लाह हो गया प्रोग्राम माशाल्लाह। आपकी वाइफ माशाल्लाह माशाल्लाह और माशाल्लाह 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 और माशाल्लाह। चलें जी अभी तक हमारा ये इंतज़ाम हुआ है, चलो कोई नहीं कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक और भी देगा, सामान आता होगा। रोटी भाजी ले आओ, तो आप सारे आ जाओ बैठ के इफ्तारी करते हैं। बाइक मेरी आने वाली है बच्चू, वो ना वो आ गया है बुज़ुर्ग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खजूरें आज यही बची हुई हैं थोड़ी सी, बाकी ख़त्म हो गई हैं।
चलो खैर है, और ले लेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। पकौड़े मैंने मंगवाए हैं, फरमान को मैंने भेजे थे लेकिन वो आ गया अभी। भाग क्या हो फरमान, भाग क्या हो, शाबाश, आ जाओ अम्मी, भाग क्या हो, ले आओ सामान सारा, बस टाइम कुछ भी नहीं बचा, अम्मा जल्दी आ जाएं। प्लेटें ले आओ, प्लेटें शलेटें भी ले आओ, बैठो रूम ऐसा बैठो। किंजा किधर है? किंजा अंदर। अंदर कहाँ पर? इधर है किंजा। ओ किंजा, किंजा खुश है? अच्छा हाँ, उसकी वो क्या है, बहन, बहन ने एक लेला दिया। अच्छा वो हमारी बहन ने लिया दिया लेला। अच्छा अच्छा ये बात है। हाँ भाई ले आए हो पकौड़े? हाँ जी माशाल्लाह जी, पकौड़े ले आए। और चटनी शटनी डलवाई है कि नहीं? चटनी यार, चटनी तो नहीं डलवाई आपने आज, भूल गई यार। चलो जी रोटी ले आओ, ले आओ। हमारा डेली बेस जो है ना, जो सामान होता है यही होता है, पकोड़े होते हैं, ये रोटी होती है, ठीक है ना। तो आज खजूरें भी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं और यह पानी होता है, बस ये चार चीज़ें हमारे पास जो है ना होती हैं। माशाल्लाह से चलें जी, अजाने जो है ना होने वाली है, अभी हम करते हैं दुआ। दुआ करने के बाद आप सब लोगों के लिए भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करने के बाद फिर इंशाल्लाह रोज़ा इफ्तारी जो है ना करेंगे। बस लुकमान भी आने वाला है अभी, तो हम जब तक दुआ कर लेते हैं। लुकमान भी माशाल्लाह आ गया, लुकमान बैठो, अजाने हो रही हैं माशाल्लाह। बस अभी रोज़ा इफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समदु वा बिका आमनतु वा अलैका तवक्कलतु वा अला रिज़्किका अफ्तरतु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करो सब लोग रोज़ा इफ्तारी करो, शाबाश। जिसने हमारे साथ रोज़ा इफ्तारी करनी है वो आके कर सकता है, हम तो है ना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। फिर उसके बाद नमाज जो है ना पढ़ने जाएंगे, क्योंकि नमाज मगरब की जल्दी होती है, तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ने जाएंगे, अभी जाएंगे खाना खाने के बाद। तो अपने ब्लॉग का भी यहाँ पर एंड करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।